प्यारे मित्रों, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज कुछ ऐसा विचार लेकर के आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हम इन्वेस्टमेंट सिनारियो की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की बात करते हैं या सही प्रकार से मनी को ग्रोथ कराना, इस तरीके की बहुत सारी बातें सर हमारे अराउंड चलती रहती हैं। और मेरा जो मानना है, या मैं ये कहूं कि आप जो देख रहे हैं आसपास, कि हमारे चारों ओर जो एक वातावरण है, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज ऑल अराउंड अस, इज लाइक अंडर विच एवरीबडी इज वांटिंग यू दैट यू शुड इन्वेस्ट इन हिज इट्स और हर प्रोडक्ट। आप उस सामने वाले व्यक्ति के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करिए, ये हर व्यक्ति चाहता है। परंतु हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी एज अ कॉमन मैन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं। नेचुरली अब इसका आंसर एक प्रकार से तो यही होना चाहिए कि भाई एक सही इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की राय लीजिए, वो आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन सोसाइटी में जिस तरीके की बातें अभी चल रही हैं, जैसे मैं सर मान लीजिए मेरे पास में एक ट्रेडिंग अकाउंट है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज कंपनी का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स इस प्रकार से लीक होते हैं कि मेरे पास में रोज दो चार एसएमएस आते हैं, बाय दिस शेयर एट दिस रुपीज, टारगेट रुपीज सो एंड सो इन जस्ट 7 days और 2 days 3 days, स्टॉप लॉस दिस एंड दिस। ये इस प्रकार के एसएमएस सर हमें कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट करते हैं कि मैं ये शेयर खरीद लूं, हो सकता है 10 रुपए का खरीदूं, 4 दिन बाद 15 रुपीज का हो जाए तो मुझे भी सर, और उसमें आगे लिखा है बाय इन बल्क क्वांटिटी, यानी सामने वाला मुझे ये लालच दे रहा है भाई 5 रुपए का बेनिफिट आपको हो जाएगा, एक शेयर पर 5,000 ले लो, हो सकता है 5 दिन में आपके 25,000 रुपए बन जाए, और हो सकता है मैं इस लालच में आकर के 25,000 कमाऊं तो नहीं, लेकिन मैं जो पैसा लगाऊं वो भी स्टेक पर आ जाए। इस वीडियो के थ्रू सर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे 2 सुझाव हैं, हो सकता है मेरी बात सुनी जाए। एक, सरकार को सर इस प्रकार के एसएमएस पर, इस प्रकार की पोंजी स्कीम्स पर, इस प्रकार के क्रिएशन पर निश्चित रूप से रोक लगानी चाहिए। मान लीजिए नहीं है, लगेगी जब लगेगी, तब तक बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। तो सर मेरे जो प्रोफेशनल ब्रदरहुड में इतने सारे मेरे भाई हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर्स हैं, अच्छे एडवाइजर्स हैं, उनको समय समय पर मीडिया में, यानी सोशल मीडिया में, किसी लेख के थ्रू इस प्रकार से अवेयरनेस जरूर क्रिएट करनी चाहिए कि लोग इस प्रकार के किसी भी ऑप्शन को अवेल करने से बचें, किसी लालच में आने से बचें। और हम देख रहे हैं सर के ऐसा जो वातावरण है सर, जो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसमें लगातार यही हो रहा है, सम हाउ दिस वे दैट वे पीपल गेट फिक्स्ड इनटू दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। आप 2 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे, 3 साल में डबल कर देंगे, फलाना शेयर ले लीजिए, ये वाली रियल एस्टेट ले लीजिए, इसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट हो जाएगा। अब सामने वाले का ध्यान तो हमारे पैसे पर है कि भाई हमसे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल लिया जाए। तो सर जो माहौल है, जो समय है, वो सतर्कता का है। जो इस प्रकार के प्रमोटर्स हैं, जो लालची हैं, वो चाहते हैं सर कि समाज उनको पैसा देवे और वो उनका पैसा लेकर के भाग जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां सर ऐसा काम कर चुकी हैं। तो मेरा इस वीडियो का जो तात्पर्य है सर, यदि वो सही दिशा में लिया जाए, तो वो यही है कि मैं चाहता हूं, मैं ऐसा रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब इस प्रकार का एक लेवल तैयार हो, इस प्रकार की एडवाइजरी हो जिसमें लोगों को सही एडवाइस पहुंचे, वो सही इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित हो, ना कि लालच में आकर के किसी गलत स्कीम के अंदर फंस जाएं। लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई सर ऐसी स्कीम्स में बहुत बार आपने मैंने फंसते देखी है। तो क्यों ना सर हम एक सही एडवाइजरी तैयार करें, सही एडवाइजरी उनको दें, जिससे लोगों का इस प्रकार की स्कीम से होने वाला नुकसान बचे। तो इसी विनती के साथ सर मैं अपनी आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन को विराम देता हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।